हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ मयंक श्रीवास्तव फ्रॉम अम्बालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच माई कॉलेज इज एफिलेटेड विथ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी तो स्टूडेंट्स टुडे द टॉपिक ऑफ माई सब्जेक्ट इज मिलर इंडिसस तो सबसे पहले मिलर इंडिसस क्या होता है इससे पे पहुँचने से पहले हम आपका थोड़ा सा रिविज़न करना चाहते हैं जो हमने पिछले टॉपिक्स में आपका कवर अप करा था कि क्रिस्टल क्या होता है तो नंबर ऑफ एटम्स उसमें कितने होते हैं एफ़ क्या चीज़ होती है बी क्या चीज़ होती है सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है तो uh, होता क्या है एक्चुअली कोई भी यूनिट सेल जो होता है वो नंबर ऑफ एटम से मिल करके बना होता है अब यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बेसिकली uh, अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे जो हमने आपको पहले भी दिखाया है तो उसमें आपको दिखेगा क्या कि एक यूनिट सेल जो होता है आपका वो आठ एटम से मिल कर के बना होता है लेकिन अगर एग्जैक्ट इसकी लोकेशन या इसको समझेंगे आगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक यूनिट सेल आठ एटम से मिल कर के नहीं बना होता है बल्कि वन बाई एट होता है क्यों ऐसा होता है क्योंकि जितने भी कॉर्नर होते हैं यूनिट सेल के वो कॉर्नर या एज जितने भी होते हैं जैसे एक यूनिट सेल है तो उसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आठ आपके ऐज होंगे और आठ के आठों जितने भी एज हैं टोटल एज जो एट हैं वो क्या करते हैं शेयरिंग करते हैं सारे ऐज पे जो भी एटम्स होंगे वो क्या करते हैं अपने बगल वाले से शेयर करते हैं जब बगल वाले से उसको शेयरिंग पे करते हैं तो मान लीजिए आपका राइट में एक यूनिट सेल है फिर आपका लेफ़्ट में भी एक यूनिट सेल है फिर एक टॉप में भी है एक बॉटम में भी है तो फोर तो ये गए और इसके सेम इसी तरह है, इसके पीछे भी हैं मतलब जो आपका बेसिक एक यूनिट सेल था उसके पीछे भी एक यूनिट सेल है उसके बगल में भी एक यूनिट सेल है फिर उसके लेफ्ट में भी एक यूनिट सेल है और उसके ऊपर भी एक यूनिट सेल है तो एज अ फ्लोर आप समझ सकते हैं या एज अ फ्लैट समझ सकते हैं कि आठ फ्लैट आपस में अटैच हैं तो उस केस में होता क्या है कि हमको आपको देखने में तो ये लगता है कि एक पूरा फ्लैट है और उसके आठ कॉर्नर हैं और हर कॉर्नर पर एक एक सेल है लेकिन जब आप मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करते हैं और इसमें इसको किसी सॉफ्टवेयर पर लेके ते हैं तब आपको समझ में आता है कि जो एग्जैक्ट हमको दिखता है वैसा कुछ भी नहीं होता है क्या होता है इसमें एक्चुअली जो भी मेन पार्ट होता है आपका यूनिट सेल या जो भी एक आपका मान लीजिए रूम है या आपका घर है वो जब भी अगल बगल वालों से अटैच होता है तो सारे कॉर्नर के जो भी एटम्स होते हैं या जो भी यूनिट सेल के जो भी एटम्स होते हैं वो सबको शेयर करते हैं शेयर क्यों करें करना जरूरी होता है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शेयर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर सिंगल रहेगा तो नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा लगेंगे दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होता है बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं होगी अब अगर बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी तो जब आपकी बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं होगी तो मटेरियल स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा और ऐसा भी होता है कि कोई भी मटेरियल जो है वो केवल एक यूनिट सेल से बन नहीं सकता है क्यों क्योंकि जैसा कि हम आपको बताए भी थे कि लैटिस फॉर्मेशन होना जरूरी होता है अब बात आती है लैटिस फॉर्मेशन क्या चीज़ होती है लैटिस फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपका यूनिट सेल है एक या मटेरियल किसी भी मटेरियल का एक यूनिट सेल है और वो क्या करता है हर डायरेक्शन में एरे फॉर्म करता है एरे फॉर्मेशन मींस क्या होता है कि एक्स डायरेक्शन में भी यूनिट सेल बढ़ते चले जाते हैं जैसे मान लीजिए आपका एक यूनिट सेल है और उसके बाद एक्स डायरेक्शन में और यूनिट सेल उससे अटैच हुए वन बाई वन उसके बाद क्या हुआ वाई डायरेक्शन में भी अटैच हुए वन बाई वन इस तरह क्या होता है एक एरे फॉर्मेशन होने लगता है नंबर ऑफ समेशन ऑफ यूनिट सेल इन एनी डायरेक्शन इज़ नोन एज एरे अब अगर एक्स डायरेक्शन में होता है तो एक्स एरे फॉर्मेशन होता है वाई डायरेक्शन में इसी तरह वन बाई वन मान लीजिए एक यूनिट सेल और आया फिर और आया फिर और आया इस तरह वन बाई वन जब ऐड होता है वाई डायरेक्शन में तो क्या होता है वाई डायरेक्शन का एक एरे फॉर्मेशन होता है फिर क्या होता है एक जेड डायरेक्शन में अगर टू डी की बात करें इसमें ही इसी आपके आज के लेक्चर में हम आपको मिलर इंडेसिस में ही आगे बताएंगे कि 2D में कैसे फाइंड करते हैं 3D में कैसे फ़ाइंड करते हैं तो इसी को डिस्कस करने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अब लैटिस क्या हुआ एक आ, सिंगल था उसने एक्स डायरेक्शन में वन बाई वन वन बाई वन ऐड होता चला गया फिर वाई डायरेक्शन में वन बाई वन 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 बाई वन ऐड होता चला गया तो आपका अभी 2D बना क्यों क्योंकि टू डायमेंशनल चीज़ें जो होती हैं वो एक्स और वाई में ही होती हैं ठीक है अब अगर थ्री में भी उसको कन्वर्ट करना है तो उस केस में आप क्या करेंगे जेड डायरेक्शन में भी लेटिस सॉरी जेड डायरेक्शन में भी आपको यूनिट सेल को वन बाई वन वन बाई वन इंक्रीज़ करना पड़ेगा तो एक्स में हो गया था एरे फॉर्मेशन वाई में एरे फॉर्मेशन हो गया और जेड में एरे फॉर्मेशन हुआ जेड में जैसे ही एरे फॉर्मेशन हुआ वैसे ही मटेरियल क्या होता है आपका थ्री में कन्वर्ट हो जाता है थ्री डायमेंशनल मटेरियल उसे बोला जाता है जैसे ही जेड में वो कन्वर्ट होता है अब ये एरे फॉर्मेशन हो गया और एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स होता है एरे फॉर्मेशन के बाद अब जैसे ही एरे फॉर्मेशन हुआ तो थ्री डी डाइमेंशन का आपका एक मटेरियल बन गया लेकिन अब उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं या कितने क्रिस्टल्स से मिलकर के बनाए हैं या कितने लैटिस से मिलकर के बनाए हैं एक्चुअली यूनिट सेल तो सिंगल होता है अब जैसे जैसे यूनिट सेल बढ़ता जाता है तो समेसन ऑफ़ यूनिट सेल इज़ नोन एज अ लैटिस फॉर्मेशन और लैटिस फॉर्मेशन अब आपका लैटिस फॉर्मेशन में भी कई फॉर्म होते हैं अगर वो रेगुलर या किसी पैटर्न को फॉलो करता है तो उसे क्रिस्टल पैटर्न फॉलोअर कहते हैं लेटिस फॉर्म uh, में होता है एक प्योर फॉर्म uh, होता है लेकिन अगर वो किसी उसको फॉलो नहीं करता है तो जिग जैक मोशन में आता है अगर आपके क्रिस्टल जो भी हैं एक्चुअली क्रिस्टल कोई भी मटेरियल होता है तो समेसन ऑफ क्रिस्टल होता है अब जो भी समेसन ऑफ़ क्रिस्टल है अगर वो किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा तो वो वॉल्यूम तो वॉल्यूम uh, तो डेफिनेट uh, रूप से एक्वायर करेगा उसका कुछ ना कुछ डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर होगा लेकिन उसमें इशू क्या आएगा कि आपकी बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको पैकिंग फैक्टर समझना पड़ेगा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है अब जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर एटॉमिक मीन्स क्या होता है एटम्स और पैकिंग मीन्स बांधना और फैक्टर या इफिशेंसी मतलब कि एक क्रिस्टल में कितने भी आपके एटम्स आ, आ सकते हैं जो कि हम आपको आगे नेक्स्ट साइड में दिखाते हैं यह है पैकिंग इफिशेंसी अब किसी भी मटेरियल का जो भी फॉर्मेशन होता है उसको समझने के लिए आपको पैकिंग इफ़ेंसी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि, कि कितने एक मटेरियल में कितने एटम्स आ रहे हैं और क्या उसकी पैकिंग इफ़ेंसी है अब पैकिंग इफ़ेंसी में क्या चीज़ें आती हैं जैसे मान लीजिए आपका रूम है अब रूम में कितना मटेरियल रख रख सकते हैं आप उसकी एक लिमिट होगी ना इसी तरह आपका यूनिट सेल होता है उसकी एक वॉल्यूम होता है अब उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसमें कितने एटम्स uh, आ सकते हैं या स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है अगर वो मान लीजिए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो उसमें हर कॉर्नर पे आएगा अब हर कॉर्नर पे आ रहा है तो हर कॉर्नर शेयर कर रहा है तो वन बाई एट आ रहा है अब वो जो वन बाई एट आ रहा है वो कितने वॉल्यूम का होगा एटम्स वो अगर हमको समझना है तो उसके लिए हमको पैकिंग इफिशियंसी समझना पड़ेगा प्लस क्या होता है ये तो एक की बात हो गई अगर मान लीजिए कई यूनिट सेल हैं और सब में अलग अलग आपके इफिशियंसी हैं सब में अलग अलग एटम्स होंगे क्योंकि लेटिस फॉर्मेशन जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मीन्स समेसन ऑफ यूनिट सेल इज़ नोन एज आई लेटिस अब जब जब समेसन होगा तो लेटिस फॉर्मेशन होगा अब लेटिस फॉर्मेशन से क्या होगा एक थ्री स्ट्रक्चर मिल करके आपका सामने आएगा लेकिन अब मान लीजिए आपका थ्री स्ट्रक्चर तो आ गया आपको देखने में उसका लंबाई और लेंथ, और लेंथ हाइट आपको सारी चीजें पता चल गई कि हाँ ये ये हैं लेकिन एटम्स की क्या है उसके अंदर कौन सा एटम्स कितना स्पेस एक्वायर कर रहा है वो डिपेंड करता है या वो चीज अगर हमको मालूम करना होता है तो वो फैक्टर निकालते हैं आप पैकिंग फैक्टर इसका और भी एग्जांपल है जैसे मान लीजिए कोई भी आपका कर्टन है अब उसमें आपको सामान रखना होता है तो आप सामान रख रहे हो तो सामान को आप ऐसे समझ लो कि आपका एक यूनिट सेल है अब आपने एक यूनिट सेल रखा फिर दूसरा इक्विपमेंट रखा फिर तीसरा इक्विपमेंट रखा लेकिन जब आप पूरा रख लोगे तभी तो पता चलेगा कि कितना इसके अंदर आ रहा है या कितना स्पेस ये एक्वायर कर रहा है तो इसको समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ये चीज़ें आपको अगर पहले पता चल जाए तो जो भी कर्टन आपको लेना है या जिस स्पेस में उसको एक्वायर कराना है आपको वो पहले ही पता चल जाएगा कि कितना होना चाहिए तो ये भी समझने के लिए आपको पैकिंग एफिशेंसी पता होनी चाहिए और जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स होता है कि पैकिंग इफ़ेंसी में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं अब नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कौन सा है क्योंकि एक एक मटेरियल है वो हो सकता है अगर कंपोज अगर जैसे आपको बताए थे एलोइंग एलिमेंट्स अब एलोइंग एलिमेंट्स जो भी होते हैं वो एक मटेरियल के ऊपर दूसरा मटेरियल का कंपोजिशन आप करते हैं अब एलॉइंग एलिमेंट उन्हें ही कहते हैं जिसका बेस एक बेस मटेरियल होता है जैसे मान लिया एल्यूमुनियम एलॉय है तो उसका एक अपना बेस मटेरियल होगा या कॉपर एलॉय है तो कॉपर उसमें या जब बेस मटेरियल काम करेगा तो अगर दो चीज़ों को आप अगर एक मटेरियल आप लगा रहे हैं तो आपको पता है कि इसका क्या क्रिस्टल होगा या कौन से क्रिस्टल से मिलकर के ये मटीरियल बनाएं आपको उसका एक आइटम आपने निकाल लिया साइज और कितने उस यूनिट सेल में आ रहे हैं उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया आपको पता चल गया कि हाँ एक मटेरियल में ये मटेरियल डेफिनेट मटेरियल इस चीज़ का बना है तो इसमें इतने आइटम्स आएंगे लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है जब आपको एक एलॉय एलिमेंट बनाना होता है और उसका डिफिनेट पैकिंग फैक्टर निकालना होता है एलॉय एलिमेंट क्यों बनाना पड़ता है क्योंकि एज ए इंजीनियर कोई भी एक मटेरियल जो है सारी क्वालिटी लिए हुए नहीं होता है या सारी क्वालिटी को डिफाइन नहीं कर सकता है तो उसकी क्वालिटी को इनबिल्ड करने के लिए या बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उसमें कुछ ना कुछ मिलाएं अब मिलाने के लिए आप कोई ना कोई कंपोजिशन मिलाएंगे अब जो कंपोजिशन मिलाएंगे वो डिपेंड डिपेंड करता है कि कितनी क्वालिटी या प्रो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इनहेंस करता है तो वो जो मटेरियल आप मिलाएंगे अब उसका उसमें भी एटम्स होंगे अब उस एटम्स में कितने एक क्रिस्टल में या एक यूनिट सेल में कितने एटम्स आ रहे हैं तो वो भी आपको नहीं पता तो वो सारी चीज़ों को निकालने के लिए अब फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं कि मान लीजिए एक मटेरियल है उसमें आपने कुछ वो मटेरियल जो है आपका आयरन कार्बन के मिक्सचर से मिलकर के बना हुआ है अब आयरन का आपको डेफिनेट आइटम्स पता है लेकिन कार्बन का कितना है वो नहीं पता है तो उस केस में क्या होता है कि जब ये डिफॉर्म होते हैं तो इनको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है डिफॉर्म कब होते हैं जब उसके ऊपर आप कोई टेम्परेचर या कोई एनर्जी आप उसको देते हैं तो उसमें डिफ़ॉर्मेशन होता है तो जब वो डिफ़ॉर्मेशन इलोंगेट करता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होता है जिस चीज़ में वो पैक हैं या जिस यूनिट सेल में वो पैक हैं वो उसको भी डैमेज करता है तो उससे क्या होता है लोकल एरिया भी डैमेज हो जाता है तो हमारा मोटिव क्या होता है एज ए इंजीनियर आपको हर क्रिस्टल का या हर आपको यूनिट सेल का या हर लेटिस का अब यूनिट सेल का जब आपको पैकिंग फैक्टर पता चल जाएगा एक यूनिट सेल का तो आप आसानी से लेटिस का निकाल लेंगे क्यों क्योंकि लेटिस इज़ द समेसन ऑफ यूनिट सेल एक का पता चला आपने एक एक यूनिट सेल में कितने आयरन के कि एटम्स का क्या साइज है और आपका कार्बन के एटम्स का क्या साइज है जब आपको ये पता चल गया तो आपने क्या करा एक लेटिस जो फॉर्मेशन हुआ मान लीजिए एक लेटिस जो है आपका पाँच या फाइव आपके यूनिट सेल से मिल करके बनाएं तो उस केस में जब आपने एक का निकाल लिया तो उसके बाद अब लैटिस का निकालना है क्यों क्योंकि लैटिस ही तो पूरा फॉर्मेशन करता है एक थ्री मटेरियल का तो जब आपको लैटिस का निकालना होता है तो उस केस में आपने क्या करा है? एक का निकाला और बाकी से मल्टीप्लाई करा तो आपको पूरा एक लैटिस का पता चल गया अब जब लैटिस का पता चल गया तो आपको ये पता चल गया कि जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं या जो भी मटेरियल हम सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर अ डिजाइन पर्पज वो कितना स्पेस आपका एक्वायर करेगा तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पैकिंग इफिशियंसी का तो चलिए इसमें आगे देखते हैं क्या है कि द पैकिंग इफिशियंसी इज द फ्रिक्शन इज़ द फ्रैक्शन ऑफ अ क्रिस्टल ऑक्युपाइड बाय द एटम मतलब कि एक एटम कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है या फ्रैक्शन मींस कितना मिनिमम uh, स्पेस कह सकते हैं आप वो ऑक्ुपाई कर रहा है तो उसे आप फ्रैक्शन कहते हैं क्रिस्टल कितना ऑक्युपाई कर रहा है एक ऐटम उसमें एक क्रिस्टल में तो उसे पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं अब आगे बात करते हैं इट मस्ट बी ऑलवेज लेस देन हंड्रेड परसेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो पैकिंग फैक्टर होता है वो आपका हंड्रेड परसेंट से कम होना चाहिए ऐसा क्यों होता है क्योंकि अगर आप एक स्पेयर की बात करें या आप ऐसे कह सकते हैं कि आपका एक डेफिनेट वॉल्यूम का एक रूम है और उसमें आप एक जो भी इसमें इक्ुपमेंट रखते हैं या जो भी आप सामान इसमें रखते हैं तो वो एक हंड्रेड परसेंट से कम होना चाहिए हंड्रेड परसेंट का मीन्स क्या हुआ कि मान लीजिए सौ बाई सौ स्क्वायर फिट एक हज़ार स्क्वायर फिट का है आपका अब वन थाउजेंड स्क्वायर फिट में अगर आप वन थाउजेंड रखोगे तो रखना बड़ा मुश्किल होगा तो ये जो पैकिंग फैक्टर होता है ये इंडस्ट्रीज़ में आपका कहाँ पर यूज होता है अगर आप कोई भी इन्वेंट्री में देखेंगे स्टॉक करना है या वन बाई वन उसको लगाना है तो उस केस में आपको अब आप रूम है अब आप आपने हर सामान इधर उधर रख दिया या, या उसको एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में प्लेस नहीं करा जैसे क्रिस्टल आपके वेल ऑर्गेनाइज मैनर में प्लेस होते हैं सारे आइटम्स अपनी अपनी जगह पर एक्स एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में वन बाई वन स्टॉकिंग करके प्लेस कर दिए जाते हैं लेकिन अगर ये चीज़ आप इसमें नहीं करते हैं किसी भी मटेरियल में तो वहाँ क्या प्रॉब्लम आती है कि आपका वो हंड्रेड जितना आइटम्स उसको चाहिए एक क्रिस्टल में वो उसमें आ ही नहीं पाता तो उस चीज़ से बचने के लिए उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्योर करने के लिए सॉरी बढ़ाने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ता है पैकिंग इफ़िशेंसी की तो वही यहाँ पर लिखा है कि इट मस्ट ऑलवेज लेस देन हंड्रेड परसेंट सौ परसेंट मतलब जितनी स्पेस है उससे हमेशा कुछ कम होना चाहिए ठीक है अगर कम सामान होगा बड़ा कर्टन है तो आसानी से रख सकते हैं आप है ना और अगर कंपोजिशन मिला रहे हैं उसमें दूसरे आइटम्स के या और एटम्स उसमें आसानी से आ सकते हैं जैसे आइटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे ही स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी तो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसके लिए इस केस में फिर बात करते हैं कि बिकॉज़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू पैक इस्फेयर ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि एक स्फेरिकल सेप हो और उसको अगर आप हंड्रेड चाहो कि वो एम्पटी ना हो और हंड्रेड उसमें जिस साइज़ का हो उसी साइज का आपने बॉक्स बना के उसको रखा तो क्या होता है इस्फेयर को रखना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसका सेप ऐसा होता है ठीक है तो वही लिखा है कि बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू पैक स्फेयर विदाउट इम्पटी स्पेस बिटवीन देम मतलब एक स्फेयर है आपका ठीक है अब उसका लेंथ है विर्थ है लेकिन जो उसका जो स्वेल अप होता है पार्ट उसका अगर आप और रखते हैं और रखते हैं तो आप देखोगे क्या कि बीच में काफ़ी स्पेस वैकेंट रह जाता है तो वो जो वैकेंट स्पेस रह जाता है देखा जाए तो वो हमारा एरिया ज़्यादा कवर अप करेगा और नंबर ऑफ स्पेयर्स उसमें कम आएंगे तो उस चीज़ को अगर आप आ, देखेंगे या उस चीज़ को अगर आपको कंसीडर करना होगा तो उस केस में आपको 100 परसेंट जो भी स्पेस होगा उससे कम आपको लेना पड़ेगा आ, एटम्स का साइज ठीक है तो इसी केस में आगे अगर समझते हैं कि जैसे कोई भी मटेरियल है उस वो एफ से भी बन सकता है अब उसमें बी भी है अब उसमें सिंपल क्यूबिक भी है अब अगर सिंपल क्यूबिक है तो वन बाई एट वन एटम्स लिया गया लेकिन अगर आपका फेस क्यूबिक सेंटर है तो उस केस में क्या होता है आपका सारे कॉर्नर्स पे एक एक आए और हर फेस पे वन वन आए अब जैसे राइट right फेस पे एक आया लेफ़्ट पे एक आया बैक पे एक आया इन फ्रंट पे एक आया टॉप पे एक आया और बॉटम पे एक आया क्या आया एटम्स आए अब ये जो एटम्स वन वन आए सारे फेस पे ये क्या करते हैं शेयर करते हैं अपने बगल वाले से बगल वाले एटम्स uh, से क्यों शेयर करना पड़ता है क्योंकि आपको बॉन्डिंग बनानी है नंबर ऑफ क्रिस्टल्स को आपस में जोड़ना है नंबर ऑफ़ यूनिट सेल को आपस में जोड़ना है अब मान लीजिए एक आपका एफ है एक बी है अब बी के सेंटर पर होता है एक मतलब एफ है तो अब उसने क्या करा एफ मान लीजिए छओ फेस पे है अब उसने शेयर करा तो क्या हो गया आपका वन वन पार्ट आपका हाफ uh, पार्ट डिवाइड हो गया तो उस केस में क्या होता है सॉरी <coughs> तो उस केस में क्या होता है आपका अब थ्री एटम्स एफ में आपके फेस पे मिलेंगे आपको क्योंकि वन वन आपका डिवाइड हो गया हाफ में और एक एक कॉर्नर का वन बाई एट वन बाई एट तो टोटल मिला करके 4 FCC के फोर एफ सी सी के आइटम्स हो गए हम आपको पूरा एक सिस्टम बता रहे हैं कि एक उसमें पैकिंग एफिशेंसी में एक मटेरियल में अगर आपके सिंपल क्यूबिक भी हैं बी सी सी भी है और एफ सी सी भी है तो कितने आइटम्स को उसको एडजस्ट करना पड़ेगा और कितना एरिया हमको एक्वायर करने के लिए स्पेस खाली छोड़ के रखना पड़ेगा जिससे कि वो आसानी से उस यूनिट सेल में या वो मटेरियल प्रॉपर उसके सारे आइटम्स उसमें आसानी से एक्वायर हो जाएँ तो अब एफ में कितने हो गए फोर हो गए सिंपल क्यूबिक सेल में कितने हो गए वन हो गए अब बात करते हैं बी की बी सी सी मीन्स आपका बॉडी सेंटर क्यूब अब बॉडी सेंटर जो नाम है उससे ही पता चल रहा है कि बॉडी पे बॉडी मतलब आपका मान लीजिए एक क्यूब है उसके सेंटर पे एक अपना खुद का एटम होता है उसे बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं क्योंकि एक बॉडी क्या है सेंटर पे एक्वायर कर रहा है अपना स्पेस तो उसे आप क्या बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड अब क्या बात आई कि सारे कॉर्नर एट एट कॉर्नर्स पे आधा आधा वन बाई एट वन बाई एट एक्वायर हुआ और एक सेंटर पे हुआ तो कितना मिल गया एक सेंटर पे मिला वो वन एटम और सारे कॉर्नर्स पे जो आपको मिले वो दूसरा आइटम तो उस केस में क्या हो गया आपका ये अगर दोनों को आप ऐड करते हैं तो उस केस में क्या हो गया आपका टोटल टू एटम्स मिले तो मतलब एफ में वन एफ में आपको मिल गया ए, थ्री वन प्लस फोर और बीसीसी में आपको मिल गए टू तो फोर टू सिक्स और वन सेवन अब अगर कोई भी मटेरियल आपका इन तीनों क्रिस्टल से मान लीजिए मिल करके बना हुआ है तो उस केस में आपको सेवन एटम्स के लिए एक स्पेस या जनरेट uh, करना पड़ेगा तो वो कहाँ से पता चलेगा आपको पैकिंग इफ़िशेंसी से अब आगे डिस्कस करते हैं कि पैकिंग इफ़िशेंसी इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाई द पार्टिकल मतलब कि परसेंटेज में अगर इसको निकालते हैं कि टोटल स्पेस कितना फिल्ड हुआ एक एटम्स से या जितने भी एटम्स उसमें आ रहे हैं एक क्रिस्टल है मान लीजिए उसमें 100 एटम्स आ रहे हैं अब 100 एटम्स जो है 60 परसेंट जगह को एक्वायर कर रहा है तो वही उसकी पैकिंग इफ़ेंसी हो गई समझ में आया आपको तो उसमें क्या होता है जब आपका 60 परसेंट एक्वायर करता है स्पेस अब अगर आपने हंड्रेड से या एग्जैक्ट मान लीजिए आपने हंड्रेड परसेंट कर दिया तो स्पेस एक्वायर नहीं कर पाएगा क्यों क्योंकि वहाँ पर आपका क्यों जब भी एक्सटर्नल लोड लगेगा या मटेरियल कहीं पर आप मशीनरी इक्विपमेंट में यूज करेंगे तो उसमें हंड्रेड परसेंट क्या होता है डिफॉर्मेशन आता है इसीलिए आप क्या करते क्या देते हैं टॉलरेंस देते हैं तो ये आज एज अ टॉलरेंस भी आप अगर समझना चाहें कि टॉलरेंस दिया जाता है पैकिंग फैक्टर में भी तो ये सिक्सटी होता है फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक पैकिंग फैक्टर और इसमें एटम्स की बॉन्डिंग होती है एटम्स आपस में मिलकर के कम कम्बाइंड uh, होते हैं इसलिए इसे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर भी कहा जाता है अब इसमें जो एक टर्म्स लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑक्ुपाइड बाई एटम्स इन यूनिट सेल पर यूनिट वॉल्यूम सेल मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड ये वही आपका एक तरह से फॉर्मूला है कि एक यूनिट सेल में जितना वॉल्यूम ऑक्ुपाइड कर रहा है और टोटल वॉल्यूम कितना है यूनिट सेल का उसको अगर आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका परसेंटेज uh, पता चल जाता है कि पैकिंग फैक्टर कितना है अब आगे एक बी का एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं कि इसमें पैकिंग फैक्टर uh, कैसे निकालते हैं या जो आपको अभी फॉर्मूला बताए थे कि वॉल्यूम ऑकुपाइड बाय टोटल वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम कितना ऑकुपाइड कर रहा है एटम्स और टोटल वॉल्यूम कितना होता है उसके बेस पे ये हमने uh, के एम हम गुप्ता जी की बुक से लिया हुआ है ये डायग्राम बी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इसमें आप अगर देखेंगे ध्यान से अरेंजमेंट तो ये जो आपको यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है ये देखिए हर कॉर्नर ये बी सी सी क्यों बोला गया बॉडी सेंटर्ड क्यूब क्यों क्योंकि ये जो बड़ा सा एक सर्कल आप देख रहे हैं ये एक सेंटर पे आपका एटम्स है और ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये सेवन और एक एक एट सारे कॉर्नर्स पे भी अपने वन वन एटम्स हैं अब वन वन एटम्स नहीं है वन बाई एट है आपको पहले बताया तो वन बाई एट मिल करके के वन हुआ और एक सेंटर पे जो वन है वो मिल करके आपका एक एटम्स हुआ तो अब इसको अगर आप समझो पैकिंग फैक्टर के केस में या कट सेक्शन के फेस में तो हमने क्या करा एक क्यूब लिया यू वी डब्ल्यू आर एस पी एक्स नाम से एक क्यूब लिया ठीक है अब इस क्यूब में एटम्स को आप देखिए कि ये वाला जो एटम्स है आपका जो कॉर्नर एज वाला हमने इसका कट सेक्शन आपको दिखा रहे हैं तो ये जो अगर आप इसका ऐसे व्यू देखेंगे कट सेक्शन तो वो आपको ऐसे एक लाइन दिखेगी यहाँ से यहाँ तक यू से आर तक और इसमें जो है ये कट सेक्शन का जो आपका पार्ट है इसका रेडियस स्मॉल आ है इसी तरह सेम इसका रेडियस भी स्मॉल आ रहा है और ये जो है आपका बॉडी सेंटर्ड वाला जो भी आइटम आ रहा है इसका अगर कट सेक्शन देखेंगे तो ये पूरा डायमीटर आपको सो होगा तो जब आपको ये पूरा डायमीटर सो होगा तो आर इसका है आर इसका है तो ये पूरा डायमीटर हो गया तो कितना हो गया टू आर तो ये इसका डायगोनल पार्ट है कट सेक्शन पार्ट है कि एटम्स कितने रेडियस का है ये आर ये स्मॉल आर और ये टू आर अब बात आती है इसको हमने मान लिया यू वी की जो भी दूरी है ये ए मान लिया फिर वी डब्ल्यू a ए है मतलब एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में जो ये वॉल्यूम है एक क्यूब है वो ए लेंथ है इसकी अब डिस्कस करते हैं कि अब जैसे इसमें है कि ये ए लेंथ हो गया अब इसमें क्या है कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अब यूनिट सेल का वॉल्यूम एक्स वाई जेड डायरेक्शन में तीनों में डायरेक्शन में आपका ए ए ए दिया हुआ है तो वॉल्यूम क्या हो गया ए क्यूब हो गया अब जब ए क्यूब वॉल्यूम हो गया तो उस केस में देखिए वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज़ इक्वल टू फोर बाई थ्री पाईआर क्यूब अगर कोई भी एटम्स का वॉल्यूम निकाला जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है फोर बाई थ्री पाईआर क्यूब ठीक है अब यू डब्ल्यू कितना हुआ दिया हुआ है देखिए यू और ये डब्ल्यू आपने क्या करा यू वी और वी डब्ल्यू था यहाँ से एक डायगोनल डॉटेड लाइन जो आपको ये शो हो रही है ये डॉटेड लाइन ये क्या है यू डब्ल्यू ठीक है अब यू डब्ल्यू अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस एल्गोरिथम इसमें क्या होता है आपका यू डब्ल्यू यू डब्ल्यू इज स्क्वायर इज इक्वल टू यू वी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू वी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर यू वी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर अब यू आर स्क्वायर की बात करते हैं यू आर क्या है ये आपका U है ये आपका R है अब इसमें ये तीनों रेडियस हैं. ये आपका एज वाले रेडियस हो गए और ये अपर एज का रेडियस हो गया और ये बॉडी सेंटर का रेडियस हो गया तो उस केस में अगर यू आर आपको निकालना है तो क्या होगा यू आर स्क्वायर यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू यू डब्ल्यू स्क्वायर यू डब्ल्यू ये वाला जो आपने डॉटेड लाइन वाला डायगोनल लिया था यू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू आर स्क्वायर ठीक है फिर से देखिए यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू यू डब्ल्यू स्क्वायर और डब्ल्यू आर स्क्वायर अब इसका अगर आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो यू आर स्क्वायर कितना है आर प्लस टू आर प्लस आर मतलब कितना हो गया आपका फोर आर अब यू आर है आपका फोर आर स्क्वायर प्लस यू डब्ल्यू की बात करते हैं अगर यू और डब्ल्यू की बात करते हैं तो ये क्या है ए और ये ए है तो ये मिलकर के आपका टू ए हो गया तो इसको क्या कहेंगे आप ये और ए मिलकर के आपका टू ए हो गया अब टू ए स्क्वायर हो गया यहां पर ठीक है अब टू ए स्क्वायर के बाद अगर बात करते हैं डब्ल्यू आर की तो डब्ल्यू आर आपका ए है तो उस केस में क्या हुआ ए स्क्वायर हो गया अब जब यहां पर कैलकुलेट करोगे क्योंकि यहां पर देखिए लिखा है यू डब्ल्यू स्क्वायर इजक्ल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यू डब्ल्यू स्क्वायर इजक्ल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो आपने वैल्यू कहाँ पर रखी यू डब्ल्यू की जगह पर टू ए स्क्वायर यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी अब आर इजक्वल टू आपको पता होता है कि आर इजक्वल टू ए क्यूब रूट थ्री बाई फोर होता है अब जब ये पूरा आप करेंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा तो यहाँ से क्या करते हैं आप एटॉमिक पैकिंग फैक्टर को कंसिडर करके एटॉमिक पैकिंग फैक्टर को आप निकालते हैं अभी एटॉमिक पैकिंग फैक्टर यहाँ से कैसे पता चला वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑक्युपाइड मतलब यूनिट सेल का जो वॉल्यूम था और टोटल वॉल्यूम जो आप सॉरी टोटल वॉल्यूम क्या था यूनिट सेल का जो वॉल्यूम था और वॉल्यूम ऑक्युपाइड क्या हो गया यहाँ पर जितने भी एटम्स थे उसके अकॉर्डिंग जितना एटम्स अपना अपना वॉल्यूम लिया तो वो वॉल्यूम ऑक्युपाइड हो गया तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या हो गया वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई टोटल वॉल्यूम जब आप इसको आगे वो इसका जब आप आगे वो लेंगे क्या नाम ब्रीफ में समझेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा कि इसका जो परसेंटेज आता है वो लमसम सिक्स सिक्सटी एट परसेंट आता है पैकिंग फैक्टर या पैकिंग एफिशेंसी जो आती है 68 परसेंट आती है पैकिंग इफिशेंसी 68 परसेंट आने का क्या मतलब हो गया कि एक यूनिट सेल में 68 परसेंट आपका पैकिंग फैक्टर कंसीडर होता है 68 परसेंट आपका एटम्स स्पेस को एक्वायर करता है तो ये था आपका पैकिंग फैक्टर तो इतना ये अगर आपको समझना है अब इसके बाद अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलर इंडिसेस को अप करेंगे मिलर uh, इंडिसेस का मेन मोटिव क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो ये आपको उसमें ये पता चलेगा मिलर इंडिसेस एक्चुअली आपको एड्रेस देता है कि कहाँ से कहाँ तक एटम्स है किस लैटिस में कौन सा इंडिसेस का क्या रोल है तो वो चीज़ अगर आपको पता करना होता है तो वो आपको मिलर इंडिसेस से पता चलता है अब जैसे है आपको ये हमने बी का एग्जाम्पल दे करके बताया सेम उसी तरह से अगर एफ का होगा फेस क्यूबिक सेंटर का तो उस केस में क्या हो जाता है एक ये इस फेस पे आपका एक हो जाएगा एक इस फेस पे क्रिस्टल आ जाएगा एक ये टॉप पे आ गया एक लेफ्ट पे आ गया एक आपका बॉटम पे आ गया एक बैक पे आ गया तो इस तरह से आपके कितने फेस मिल गए सिक्स फेस मिल गए अब छः के छो फेस ये और इसमें यह चीज़ नहीं होगी बी वाला जो ये फैक्टर है ये नहीं होगा तो इस केस में क्या होगा जो ये छः छे के छओ फेस हैं आपके वो बगल वाले से आपके सेयरिंग पे होंगे तो उस केस में क्या होता है आपका जब ये बगल वाले से शेयरिंग पे होते हैं तो उस केस पे आपको फिर कट सेक्शन निकालना पड़ेगा यहाँ पर तो उसमें ये सेंटर पे ना मिल करके फिर से एक फेस पे मिलेगा आपको यहाँ पर ठीक है तब वहाँ पर आपको एक अलग रेडियस मिलेगी और वही रेडियस एक्चुअली जितने भी एटम्स किसी यूनिट सेल में हैं वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ़ रेडियस के ऊपर जितने आप जितने एटम्स होंगे उसके अपना रेडियस होगा और रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने से शेयर कर रहा है अगर कॉर्नर है तो हाफ़ होगा और अगर अगर आपका फेस पे फेस की बात करें तो फिर आपको फिर से टू आर मिलेगा स्मॉल आर नहीं मिलेगा टू आर मिलेगा अगर फेस की बात करेंगे तो उस तरह क्या हुआ टू आर यहाँ पर भी मिला टू आर टॉप पे भी मिला और यहाँ पर भी मिला यहाँ पर भी मिला यहाँ पर भी मिला तो जब वहाँ पर इस जगह पे जब फॉर्मूला आप लोगे तो वो FCC एफ के अकॉर्डिंग जब आप निकालोगे तो यहाँ पर आपको जब कट सेक्शन देखोगे तो ये वाला भी दिखेगा ये वाला भी दिखेगा ये वाला भी दिखेगा और ये वाला भी दिखेगा तो उस केस में आपको कई आपके रेडियस बढ़ जाएंगे मतलब कि जो आपका यू आर की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी यू आर की वैल्यू जैसे यहाँ फोर आर स्क्वायर था तो उस केस में और ज़्यादा बढ़ जाएगा इसी तरह ये आपका एफ का हमने बताया इसी तरह आपका सिंपल क्यूबिक का निकलता है तो अगर पैकिंग फैक्टर आपको निकालना है तो आपको 100 परसेंट से उसकी इफ़िशेंसी कम होनी चाहिए तभी एक अच्छा आपका सेल जनरेट होगा तभी एक अच्छा यूनिट सेल जनरेट होगा और अगर ए, कम होता है तो एक आ, अच्छा कंपोजिशन भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं अच्छा कंपोजिशन मीन्स उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप अच्छा एलाइंग एलिमेंट उसमें यूज कर सकते हैं तो ये था आपका टोटल पैकिंग फैक्टर के बारे में जो कि आज की आज हमने आपको कवरअप करा आज के लेक्चर में और ये इससे रिलेटेड अगर इससे रिलेटेड जो भी आपका मिलर इंडिस का है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर पर कवरअप करेंगे तो ओवरऑल uh, जो भी हमारा लेक्चर था इसमें हमने आपको आज की डेट में पढ़ाया है एफ का पैकिंग फैक्टर क्या होता है बी का पैकिंग फैक्टर क्या होता है और सिंपल uh, क्यूबिक का फैक्टर पैकिंग फैक्टर क्या होता है इससे क्या होता है एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल जनरेट होता है और वो मटेरियल जब आपके पास स्पेस ज़्यादा होगा तो कंपोजिशन के लिए आप कई मटेरियल ले सकते हैं और कई मटेरियल लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है क्योंकि आपको इम्प्रूव करना होता है मटेरियल की क्वालिटी अब आपके पास जब स्पेस ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि एक ही मटेरियल में कई क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा है तो हम उसमें एक मटेरियल में कई क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए नंबर ऑफ आइटम्स वन बाई वन वन बाई वन आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं तो आज का लेक्चर हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं ओके थैंक्स अलॉट